इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जितनी भी इक्वेशन यहाँ दी हुई है सारी इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करके हमें वैल्यू कौन सी निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस का 2 दिख रहा है ना, अगर इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये माइनस का 2 है, जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, बस क्या है यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 10 - 3। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड भी कुछ इसी तरीके का है, अगर 2 को इधर भेज दें, प्लस का 2 है उधर भेज देंगे 6 की तरफ तो माइनस का हो जाएगा। तो 6 - 2 इक्वल्स टू जेड, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो z की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में दिया है 3/7। तो 3/7 दिया हुआ है बच्चों, इसको ना सिर्फ उधर भेज देना है, और अगर उधर हम भेज देंगे तो हमें मिलेगा क्या, x को यही मिल रहेगा, ये जो 3/7 है ये 17/7 की तरफ चला जाएगा। तो 17/7 माइनस, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और नीचे देखो तो एलसीएम क्या है, सेम ही है, 7 आएगा। जब 7 आएगा तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, जब नीचे की वैल्यू 7 है तो ऊपर की वैल्यू जो ये है ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या मिल रही है, 17 से अगर 3 जाएगा तो हमें मिलेगा 14/7, और 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा, 7 से 14 डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स जा रहा है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं 6x = 12। 6 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में भेज देंगे, 6 1 = 6 हो जाएगा और 6 2 = 12। तो x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, देखो 5 कहाँ है, t के डिवाइड में, तो डिवाइड में 5 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 10 × 5, तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी। तो इस तरीके से सिक्स वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ में देखो 2/3 × x = 18 है। 2/3 क्या है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, उधर भेज देते हैं, इधर भेज देंगे तो 18 के साथ क्या होगा, 3 ये वैल्यू नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 2 1 = 2, 2 9 = 18। तो x की वैल्यू 9 3 = 27, और नीचे कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो सिर्फ यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 27। तो इस तरीके से सेवेंथ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। एट्थ क्वेश्चन है 1.6 = y / 1.5। 1.5 क्या है, y के डिवाइड में है, तो इधर भेज देंगे तो कहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा तो y है ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 24 = y। लेकिन एक चीज देखो, पॉइंट कितने के बाद लगा है, इसमें एक एक के बाद लगा है, एक अंक के बाद, और इसमें भी एक अंक के बाद लगा है, तो मतलब दो अंकों के बाद पॉइंट भी लग जाएगा। ठीक है, तो 2.40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर भी हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन है 7x - 9 = 16। तो क्या करना है, देखो इसे भी सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहां पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, जब उधर भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 + 9। ठीक है, कितना हो गया,
16 प्लस 9 को अगर ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ इक्वल का साइन है। अब देखो ये 7 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 7 को भी उधर भेज दो, तो 7 को अगर भेजेंगे इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन दिया है, सेम 9th की तरह क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पर दिया है हमें 14y, इस 8 को ना इधर भेज दो, माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मिल गया 14y इक्वल्स टू 21। अब 14 क्या है, वाई के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो दूसरी तरफ जब भेजेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 7 2 14 7 3 21, तो वाई की वैल्यू यहां पर कितनी मिल जाएगी, 3/2 मिल जाएगी। इसके बाद 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11th वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो 6p यहां पर है, 17 यहां है, 17 को इधर भेज दो, तो अगर उधर भेजेंगे तो 6p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस, ये प्लस का है तो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 17। तो 6p इक्वल्स टू, इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो 17 से 9 जाएगा, तो माइनस का 8 बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहां पर ज्यादा है। तो देखो, और साथ में 6 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर डिवाइड में 6 आ जाएगा, अगर डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो यहां पर पी की वैल्यू मिल जाएगी -4/3। तो इस तरीके से हम लोग 11th वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 12th वाला देखते हैं। तो 12th वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया है x/3 + 1 = 7/15। तो देखो x/3 है यहाँ पर, और इस 1 को ना उधर भेज दो, ये प्लस का 1 है, उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 7/15 - 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा देखते हैं, इक्वल्स टू 15, इसका एलसीएम हो जाएगा, 15 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ 15 है, 15 से 15 को डिवाइड करें, 1 आएगा, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होके 7 दे देगा हमें, और 1 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, तो 15 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15, ठीक है। अब क्या मिल रहा है हमें, हमें यहाँ मिल गया 15 से अगर 7 सबट्रैक्ट करेंगे तो -8/15 मिलेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर दिया है x/3 और यहाँ पर क्या है -8/15, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x/3 है, इधर है -8/15, ये 3 कहाँ पर है, डिवाइड में है ना, तो इसको इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो दिया है हमें x/3 है और इधर है हमारा -8/15, 3 को उधर भेज देते हैं तो ये डिवाइड में है, इधर आया तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई में। अब देखो 3 1 जा 3 डिवाइड हो रहा है और 3 5 जा 15 डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, -8/5। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।